केजरीवाल को रोकने का। चित्रा जी, जब सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो वहां पर भी ममता बनर्जी इसी तरह से लगातार माहौल बनाती है कि सीबीआई को जबरदस्ती केंद्र सरकार जो है अपने इशारे पर राज्य सरकार को परेशान करने के लिए भेज रही है। लेकिन राजधानी दिल्ली का जो मामला है, बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है उसके कारण बीजेपी की ओर से सीबीआई लगाया गया है। ममता बनर्जी से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं केजरीवाल, जो विश्वास जी दो राज्यों में सरकार है। जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी चित्रा जी कि 2021 में बीजेपी को जैसे सीएमसी ने बंगाल में धूल चटाया था वो अपना हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इसके बाद उन्होंने ये कभी सी बी आई तो सबको भेज रहे हैं, सेंट्रल जितने भी एजेंसियां हैं उनको भेज रहे हैं जांच के लिए। अभी भी हमारा सीनियर लीडर जो बोल रहे हैं अनुव्रत मंडल के घर पे अभी भी सीबीआई का जो इंक्वायरी चल रहा है जेल में बंद है। ठीक है, हम लोग जांच का स्वागत कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं जो दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन ये जांच एक तरह से क्यों हो रहा है? आज जो अरोड़ा केस है 8 साल हो गया तो उसमें तो जो उनका चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा जी उनका क्या हुआ? आज जो फ्लैश टेक इनको पॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे उनके मंत्री पीयूष गोयल जी का जो फॉर्म है वो 1000 से ज्यादा उनको सेल्सों में परिमल ग्रुप को भेजे, उन्होंने बेचे हैं, उनका क्या हुआ? आज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कैम जो असम में हुआ है उनका क्या हुआ? बैफम जो स्कैम है, बैफम तो आपको याद ही होगा, सबसे बड़ा शिक्षक है, ठीक है, बड़ा स्कैम है। ठीक है, जो विश्वास जी आपको रोकना पड़ा है, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है मैम, ठीक है, थोड़ी बातें आपकी समझ में आई लेकिन ज्यादातर बातें समझ में नहीं आई। एक बार सम्राट यदुवंश का जल्दी से रुख करते हुए, ठीक है ठीक है ठीक है, आप कह रहे हैं कि जान बूझ कर अपोजिशन के घर पर सीबीआई ईडी को भेजती है बीजेपी की सरकार। सम्राट यदुवंश जी, आपसे मेरा सीधा से सवाल है, ठीक है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज प्लीज, ओके, ठीक है सम्राट यदुवंशी जी। अब नीतीश कुमार को तो 2024 के लिए आप लोग भी बड़े जोर शोर से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं ताकि 2025 में ताजपोशी तेजस्वी की करवाई जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या नीतीश कुमार से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं जिसकी दुहाई यहाँ पर बार बार आम आदमी पार्टी दे रही है? फिर क्या करेंगे आप लोग अगर मोदी बनाम केजरीवाल जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, इसी वजह से उनके पीछे लगा दी गई है सीबीआई? चित्रा जी, आप ये जो मुद्दा उठाई है ना, ये मुद्दा ही गलत है। मुद्दा तो ये होना चाहिए कि आज जो बेरोजगारी है चरम सीमा पे, लोग रोड पे आने को तैयार हैं, कब आपका भारत श्रीलंका बन जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। सर, घोटाले पर जब बातचीत होती है तो आप लोग मुद्दा क्यों बदलना चाहते हैं? समझ में नहीं आता सम्राट यदुवंशी जी, घोटाले पर अगर बातचीत हो तो मुद्दा आप बदल दिया जाए। चित्रा जी, क्या है मुद्दा, मैं पूछ लिया करूंगी अगली बार से आपसे डिबेट के पहले कि कौन से मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर आइए जिस पर आप बैठे हैं। घोटाले वालों को आपने बिठा रखा है तो कोई बात नहीं, एक बार उनकी बात हो जाए। सम्राट यदुवंशी जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जी बोला जाए तो मैम, ये कह रहा हूँ चित्रा जी कि आज बौखलाहट जो बीजेपी की है ये सिर्फ ड्यू टू महागठबंधन का जो सरकार बना है इसके वजह से बौखलाहट, ये जो सब साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं। अरे तो ये केजरीवाल जी को क्यों परेशान कर रही है जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? सरकार बनी, हाँ, महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई तो उसका साइड इफेक्ट दिल्ली में दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये महागठबंधन का साइड इफेक्ट है, हमारे नेता तेजस्वी यादव का साइड इफेक्ट है कि हर जगह छापेमारी हो रही है। 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कौन होगा जल्दी से? नीतीश कुमार होंगे या अरविंद केजरीवाल होंगे या कांग्रेस पार्टी से कोई होगा? महागठबंधन का जो विरोधी जो खेमा है, हाँ, उसमें से कोई एक चेहरा बनेगा, सब लोग मिलजुल करके बात करेंगे। हमारे तरफ से तो नीतीश कुमार जी क्यों, वो चेहरा नहीं है क्या? बहुत अच्छा चेहरा है।